गुड मॉर्निंग गाइस और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और छुपन छुपाई की वीडियो में। क्योंकि गाइस कल लिटरली मैंने और टोनी स्टार्क ने गेम खेला था, आप सभी को बहुत पसंद आया था, तो आज फिर से मैं और टोनी स्टार्क खेलने जा रहे हैं छुपन छुपाई। ओए टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन, आज हम नहीं दिखेंगे तुम्हें। अच्छा तो गाइस देखिए, यहाँ पर आज हमारे पास है रेनबो हल्क, वो भी 4 हेडेड, ये भी छुपन छुपाई खेलने आया है। ओ माई गॉड, ये तो 5 हेडेड सन गॉड दत्तू हल्क है। ओ अच्छा, आज मैं खतरनाक जगह छुपूंगा, ऐसी बात है। चलो देखेंगे आप कहाँ छुपने वाले हैं। बाकी भाई साहब ये कितने सर का है? अबे फ्रैंकलिन, ये तो पूरे 10 हेडेड गोल्डन लिटिल सिंघम है। ओए फ्रैंकलिन, अब ढूंढ के दिखाना मुझे, ऐसी जगह चूवन ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा जी, और गाइस इसको देखिए भाई, ये तो अपना आर्मी वाला 4 हेडेड लिटिल सिंघम है। अबे फ्रैंकलिन तेरे लेफ्ट में तो देख यार, ये वाला सूट यहाँ कैसे आ गया? कौन सा सूट कहाँ आ गया? अरे भाई टोनी स्टार्क की तो तेरा ही सूट है, ये तो ब्लू एंड व्हाइट हल्कबस्टर का सूट है। अरे सर लोग, आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, बाकी हल्कबस्टर को आप ढूंढ लोगे, मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा जी, अरे भाई टोनी स्टार्क ये क्या, ये तो तू ही है। अब एक मैं कैसे हो सकता हूं? जरूर ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई चाल है, इसने मेरा डुप्लीकेट जायंट बना दिया है। ओ भाई साहब, एक जायंट डुप्लीकेट है भाई, इसकी तो नीचे से यार कपड़े भी फटे पड़े हैं, तब बड़ा है लिटरली में ये। खैर दोस्तों, इसको देखिए भाई, ये जायंट 3 हेडेड गोल्ड एंड रेड रिवेंजर हल्क है। और भाई साहब ये, अबे फ्रैंकलिन यार, ये तो 3 हेडेड ब्लू हल्क बस्टर है। ये सब के सब आज गेम खेलने आए, आज इनको ढूंढने में मुसीबत हो सकती है। बहुत ज्यादा स्मार्ट हल्क बस्टर्स हैं जिनको मैंने बनाए हैं। खैर यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ, अभी रुक ना टोनी स्टार्क, पहले बच्चों को ये तो बता रहे थे कि हमें मिलेगा क्या। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर आज मैं टोनी स्टार्क जीते तो हमें मिलेगा एक बड़ा सा लकी बॉक्स, जिसके भाई दोनों साइड क्वेश्चन मार्क है। मतलब गाइस इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और गाइस इसमें देखते हैं, फ्रैंकलिन आज मैं लूंगा बड़ा वाला लकी बॉक्स, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा चल देख लेंगे ना भाई। बाकी गाइस लकी बॉक्स बड़ा वाला तो मिलेगा ही, लेकिन छोटा वाला भी मिलेगा। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर छोटे वाले लकी बॉक्स में एक गोल्डन अल्ट्रॉन का सूट है। वैसे मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन मैं छोटा वाले ले लेता हूँ, कम से कम इसमें कुछ दिख तो रहा है भाई। तेरे बड़े वाले लकी बॉक्स में तो कुछ है ही नहीं, क्या पता उसमें बेकार चीज मिल जाए। और ये तो चालाक निकला गाइस टोनी स्टार्क। यार गाइस छोटा वाला लकी बॉक्स मैं लूंगा और बड़ा वाला फ्रैंकलिन ले लेगा। देखते हैं किसके लकी बॉक्स में कितनी अच्छी चीजें निकलेंगी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ तो तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड है, 1 2 3। अबे भाई तू यहाँ पे सेकंड गिन रहा है, वो गायब भी हो गए। अरे फ्रैंकलिन ये तो लाइट स्पीड से गायब होते हैं, कोई बात नहीं है, हम भी आज इनको लाइट स्पीड से पकड़ेंगे। गाइस आप लोग तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि आप मेरी और टोनी स्टार्क की टीम में आ जाओगे, फिर हम सभी साथ में मिलकर को पकड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मेरे घर की ये आग मुझे बुझानी होगी। टोनी भाई कितनी खतरनाक लगी है। फ्रैंकलिन अभी आग बुझाने में हमारा बहुत समय जाएगा, हमारे पास सिर्फ 14.5 मिनट भी बचे हैं, इनमें हमें सबको ढूंढना होगा। बात तो तू सही कह रहा है टोनी। एक मिनट भाई, ये गोल्ड, ओ भाई साहब यार कितना सही गोल्ड है यार। टोनी स्टार्क ये गोल्ड कितना सही लग रहा है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है इस गोल्ड की आड़ में कोई छुपा हुआ हो? कहने का मतलब किसी ने यहाँ पर मुझे लालच के चक्कर में गोल्ड में फंसाना चाहो और पता चले गोल्ड में कोई छुपा पड़ा हो सकता है। एक मिनट गाइस, बच्चे लिख रहे हैं गोल्ड के अंदर गोल्डन लिटिल सिंघम छुपा हुआ है। फ्रैंकलिन इधर आ भाई, बच्चे बोल रहे हैं इसके अंदर लिटिल सिंघम छुपा हुआ है गोल्डन वाला। अगर ऐसा है तो कमेंट में जल्दी यस लिखो गाइस, ऐसा गाइस अगर ऐसा है तो जल्दी यस लिख दो, क्योंकि अभी मैं गोली मार के देखता हूं। अरे बाप रे यार, सबसे पहले मैं ही पकड़ा गया और ये तो गड़बड़ हो गई यार, बच्चे बहुत चालाक है। गाइस मैंने और टोनी स्टार्क ने अपना पहला शिकार पकड़ लिया, लेकिन भाई ये किस तरह की रोशनी है, मेरी आंखें अंधी कर देगी, मैं इससे दूर ही रहता हूं यार। ओ माय गॉड टोनी स्टार्क, ये मेरे क्लोजेट में इतनी सारी बर्फ कहां से आ गई? मुझे भी नहीं पता फ्रैंकलिन, इतनी बर्फ क्या कर रही है भाई यहाँ पर। खैर छोड़ो गाइस, इसको देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है। टोनी स्टार्क यहाँ पर ना असल में लेफ्ट में एक बहुत ही खतरनाक डोर है, और देख भाई इसमें मुझे लगता है कोई छुपा हुआ। नहीं फ्रैंकलिन, वहां कौन ही होगा? अरे ये ऊपर से आग क्यों आ रही है निकल के? गाइस वो बाहर से आग आ रही है और मेरे घर के अंदर तक पहुंच रही है यार। मुझे इस आग का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुझे ही चला है। अरे टोनी बचा मेरे को, अरे गाइस हेल्प मी, जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। गाइस टोनी स्टार्क कहां रहा है क्या? अरे फ्रैंकलिन मैं नीचे तेरा क्लोजेट देख रहा हूं। अच्छा ठीक है, तू वहीं पर देख, मैं यहां से जल्दी निकलता हूं। फ्रैंकलिन हम अलग अलग होकर देखेंगे चीजें, तो जल्दी ढूंढ पाएंगे। गाइस ये फ्रैंकलिन भी क्या करता रहता है। हाँ तो मैं क्लोजेट देख रहा था, ये रहा गाइस। मेरे को क्या लग रहा है, इस बर्फ के अंदर कोई बर्फ, गाइस इसके अंदर कहीं आइस गॉड हल्क तो नहीं छुपा पड़ा, या फिर हो सकता है कोई और हल्क हो, रेनबो हल्क हो सकता है, रेड रिवेंजर हल्क तो आज खेल नहीं रहा है गेम। खैर गाइस इसके अंदर जो भी हो आप प्लीज कॉमेंट में जरूर उसका नाम लिखना। बाकी मैं स्विमिंग पूल में नहा लेता हूँ भाई, बहुत गर्मी हो रही है लिटरली में। ओ भाई बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पर नहाकर। और फ्रैंकलिन कोई दिखा? एक मिनट गाइस, बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में आइस के पत्थरों के अंदर रेनबो हल्क है। ओ भाई टोनी स्टार्क, तूने देखा था यहाँ पर कोई दिखा था तुझे? नहीं फ्रैंकलिन, मुझे तो कोई नहीं देखा यार, दिख तो मुझे भी नहीं रहा है कोई। खैर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, इनको हटाकर। ओ भाई साहब, वहाँ पर देख टोनी स्टार्क, वहाँ पर सच में रंग बिरंगा रिवेंजर हल्का है। अरे बाप रे, ये कैसे ढूंढ लिया तुमने मुझे? अच्छा ये ले गाइस, 1 मिनट यार, लेकिन 3.5 मिनट, अब 4 मिनट होने वाले हैं। फ्रैंकलिन हमने सिर्फ 2 बंदों को ढूंढा है, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बाकी यार फ्रैंकलिन, ये रोशनी किस तरह की है भाई, ये मेरे को अपने अंदर आने नहीं देती। खैर मैं गार्डन में जाके चेक कर लेता हूँ, आप पता है यहाँ पर कोई मिल जाए। 1 मिनट दोस्तों, मेरे फ्रैंकलिन इधर आ भाई, क्या हो गया? यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आइस का पत्थर है। नहीं 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 टोनी स्टार्क, ये आइस का पत्थर नहीं है। एक काम करते हैं गाइस, अपने ड्रोन से चेक करते हैं। ओ भाई साहब, ये तो आइस एंड लावा गॉड है। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, मेरे को क्या लग रहा है भाई, इसने जरूर किसी को छुपा रखा है, लेकिन ये हमारे घर के एरिया से बाहर है, मुझे नहीं लगता इसने किसी को छुपा रखा हो। और वैसे यार हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, वो आइस एंड लावा गॉड बहुत बड़ा है, उसके ऊपर चढ़ने चढ़ने में। इसलिए दोस्तों हम इधर तरफ आके देख लेते हैं, क्या पता कोई हमें मिल जाए। बाकी दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, स्विमिंग पूल में हो सकता है कोई छुपा हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल में बहुत बड़े बड़े व्हाइट बोर्ड पड़े हैं। ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं गाइस, मेरे को कोई दिखा तो नहीं। अबे फ्रैंकलिन, तू लिटरली में स्विमिंग पूल में जाके अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, इधर आ जल्दी से। और यहाँ पर हम और लोगों को ढूंढते हैं, हो सकता है झाड़ियों में लोग छुपे पड़े हो। बाकी गाइज मैं आपकी कॉमेंट पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट गाइज। बच्चे लिख रहे हैं स्विमिंग पूल में व्हाइट एंड ब्लू हल्क बस्टर है। हेलो फ्रैंकलिन, अरे स्विमिंग पूल के अंदर कोई है क्या? अरे मेरे को तो कोई नहीं दिखा। 1 मिनट गाइस, इस डोर को हटा के देखते हैं। गाइस अगर इसके अंदर आपको भी कोई दिख रहा है तो कमेंट में यस लिखो। अरे बाप रे, ये कौन मार रहा है? ऑलराइट टोनी स्टार्क, यार तूने सही पढ़ा, बच्चों ने सही लिखा था। ऑलराइट गाइस, हमने यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लू हल्क बस्टर को भी ढूंढ निकाला, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, कमाल कर दिया। और दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि सामने जो इतना बड़ा ब्लू टाइप का बोर्ड है, इसमें कौन छुपा हो सकता है। लेकिन फ्रैंकलिन वहां तक जाने के लिए हमें लिटरली में हेलीकॉप्टर चाहिए, इतना टाइम है नहीं। यार मैं क्या सोच रहा हूँ टोनी स्टार्क, हम पहले इस आग को बुझाकर देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस आग में कोई छुपा हो। गाइस क्या लगता है आपको, कमेंट में यस या नो लिखकर दिखाओ। 1 मिनट दोस्तों, यार यहाँ पर एक लाइटनिंग भी है बहुत ही कमाल की, जिसके अंदर भी तो कोई हो सकता है। और बाकी गाइस झाड़ियों में भी कोई हो सकता है। यार चारों तरफ देख रहा हूँ मैं, मेरे को कोई दिखने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रैंकलिन मैं सच बोल रहा हूँ, तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले उस आग को बुझाते हैं, लेकिन भाई फायर एक्सटिंग्विशर भी तो चाहिए, वो भी तो नहीं मिल रहा है। और गाइस झाड़ियों में कोई है ही नहीं। अरे यार इस आग को कैसे बुझाएं दोस्तों? 1 मिनट गाइस, यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए 1 मिनट टोनी रुक रुक रुक। बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में, झाड़ियों में आर्मी वाला 4-हेडेड लिटिल सिंघम छुपा हुआ है। व्हाट, वेयर? गाइस हमें देखना पड़ेगा। देखिए पहली झाड़ी यही, नहीं इसमें तो नहीं है भाई। ओ भाई मेरे पीछे ही है। अरे यार फ्रैंकलिन, ये कैसे ढूंढ लिया? अरे बाप रे, मार दिया। गाइस हमने यहाँ पर लिटरली में 4-5 लोग ढूंढ लिया, लेकिन फ्रैंकलिन अब बस 8 मिनट बचे हैं भाई, बहुत कम समय। मैं बोल रहा हूँ तरह से जल्दी से फायर ब्रिगेड का या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर, यहाँ पर हमें इस आग को बुझाना पड़ेगा। देख बार बार बच के जाना पड़ रहा है, और इसके अंदर कोई है या नहीं मेरे को ये भी पता नहीं चल रहा है। खैर गाइस मेरे पास एक और आइडिया है, मैं काम करता हूँ, क्यों ना घर की छत पर जाकर देखें, वहाँ से एक अच्छा एंगल मिलेगा। क्या पता यहाँ पर भी छत पर कोई छुपा हुआ। अरे नहीं भाई, छत पर कोई नहीं छुपेगा, लोग बहुत चालाक हैं। आप तो सही कह रहा है तो फ्रैंकलिन। बाकी एक और आइडिया है, हम इस बड़े से ब्लू बोर्ड के ऊपर चढ़ सकते हैं, वो भी पड़ोसी के घर में से। ऑलराइट गाइस, पड़ोसी घर में से यार जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 8 मिनट भी नहीं बची हैं ठीक से, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यार टोनी स्टार्क में ऊपर तो आ गया, लेकिन अभी शायद और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओ भाई साहब, हम कहाँ आ गए फ्रैंकलिन, चढ़ चढ़ के भाई। नीचे देखियो यार कितनी ज्यादा गहराई है, यहाँ से गिरे तो बैंड बच जाएगी। मेरे हिसाब से गाइस हमें हार मान लेनी चाहिए, इस ब्लू बोर्ड में कोई छुपा हुआ नहीं है। आगे अगर आपको कोई दिख रहा हो कहीं भी, तो कॉमेंट में उसका नाम जरूर लिखना, और वीडियो लाइक जरूर करना अगर नहीं किया हो तो, हमें जल्दी पता चल जाएगा। अरे फ्रैंकलिन कहाँ है तू? अरे ये रहा मैं। गाइस 1 मिनट, बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं उनको जायंट वाला 3-हेडेड ब्लू हल्क बस्टर मिल गया। टोनी, बच्चों को 3-हेडेड ब्लू हल्क बस्टर मिल गया, जरूर इस ब्लू बोर्ड के अंदर। अरे नीचे गिर गया, अरे जोर से लग गई। 1 मिनट टोनी, अपने पीछे देख जरा। ओ भाई मेरे पीछे क्या है, अभी बताता हूँ, पीछे देख। ओ भाई टोनी स्टार्क का ये तो कमाल वाला ब्लू हल्क बस्टर का सूट है, ये तो मेरा ही सूट है, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। ये कसम से यार ब्लू बोर्ड के नीचे छुपा था, पता नहीं बच्चों ने कैसे ढूंढा होगा। आप तो कमाल करते हैं, आपने ब्लू हल्क बस्टर को ढूंढ डाला। लेकिन फ्रैंकलिन अभी तो शायद भूल रहा है, अभी यहाँ पर हमें बहुत लोगों को ढूंढना है। अरे हाँ यार, अभी यहाँ पर काफी लोग होंगे। अभी तो एक वो गाइस 5-हेडेड लावा गॉड दद्दू हल्क भी है कहीं गाइस, इस वाली। अरे बाप रे यार, कैसी चमक हो रही है मेरी आंखों में भाई, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। फ्रैंकलिन यहाँ से बाहर ही निकल जा, कोई है ही नहीं इधर। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है, हो सकता है इसके अंदर लावा गॉड दद्दू हल्क छुपे हो 5-हेडेड, या फिर कोई और छुपा हो। बाकी गाइस मैं आपके कॉमेंट पढ़ लेता हूँ, अगर आपको कोई दिखे तो जरूर बताना। फ्रैंकलिन 1 मिनट रुक, मैं बच्चों के कॉमेंट पढ़ रहा हूँ, बच्चे लिख रहे हैं, वो जो रोशनी है उसके अंदर, उस लाइट के अंदर गोल्डन रिवेंजर हल्क है, वो भी 5-6 हेडेड। व्हाट, क्या सच में? मुझे तो कोई नहीं दिखा था, सच में दिखा तो मुझे भी नहीं था, क्योंकि भाई ये चमक इतनी रही है चीज़ें, भाई गोल्डन है, क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, और मैं फ्रैंकलिन यहाँ पे मुझे किसी परछाई के गोली मार के देखा, पता है ये मारा, अरे बाप रे मार दिया। गाइस ये तो गोल्डन ग्रीन है। अरे यार आपकी आंखें बड़ी स्मार्ट है दोस्तों, आपने लिटरली में उसको भी ढूंढ निकाला। लेकिन यार फ्रैंकलिन अब सिर्फ हमारे पास 5.5 मिनट बचे हैं, अभी हमने लावा गॉड दद्दू हल्क को नहीं ढूंढा, साथ साथ में अभी हमने और भी बहुत सारे लोगों को नहीं ढूंढा है। अरे हाँ यार बात तो सही कह रहा है तू, अब क्या करें टोनी? मेरे हिसाब से अब समय आ गया है टोनी स्टार्क का इसके और ज्यादा ऊपर जाने का। भाई इस वॉल के ऊपर हम नहीं जा सकते भाई, वो बहुत ऊंचाई पर है। बाकी दोस्तों मैं जाकर देख लेता हूँ। बाकी टोनी स्टार्क, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, चॉप के घर में भी तो कोई छुप सकता है, लेकिन चॉप के घर तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इस आग को हटाना पड़ेगा। हाँ यार बात तो सही कह रहा है, मैं यहीं से देखने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट गाइस, आपको इस आग के अंदर दिखा, अरे तो अरे भाई ये सन गॉड दद्दू हल्क है, मैं लावा गॉड दद्दू हल्क बोल रहा था, ये तो 5 हेडेड सन गॉड दद्दू हल्क है। अब अच्छा तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन मैंने ढूंढ लिया दद्दू हल्क आपको, और अब आप रहा मुझे कैसे ढूंढा, चॉप के घर में छुपेंगे। हाँ ये लीजिए, हमने यहाँ पर सन गॉड दद्दू हल्क को भी ढूंढ निकाला। लेकिन भाई टोनी स्टार्क, वो जायंट वाला टोनी स्टार्क कहाँ पर है? अबे हाँ फ्रैंकलिन मैं तो भूल ही गया था, वो बहु मेरे जैसा दिखता है, बस नीचे से उसकी थोड़ी सी पैंट फट रही है, मतलब वहां से उसको पहचान सकते हो, वो बड़ा सा भी है। मेरे को क्या लग रहा है गाइस, यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा, मतलब लिटरली में बहुत बड़ा व्हाइट एंड रेड टाइप का बोर्ड है, मेरे को लग रहा है इसी के अंदर वो जायंट वाला टोनी स्टार्क छुपा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड कौन लगाएगा छुपने के लिए। हाँ यार जायंट बंदे छुपा सकते हैं। एक काम करते हैं फ्रैंकलिन, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास तो स्पाइडरमैन की शक्तियां भी नहीं है, ना ही आयरन का सूट है, भाई मैं ऊपर कैसे जाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन एक आइडिया है। क्या आइडिया? मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन गन है, मैं उस गन को तेरे पैरों में मारता हूं, उससे तू डायरेक्टली हवा में उड़ जाएगा, फिर वहां से तू जाकर उस बोर्ड में घुस जाइयो और पता करियो वहां पर मेरे डबल रोल है या नहीं। ऑलराइट जाता हूं, जल्दी कर। ये मारा, अरे बाप रे कहां भेजा? एक मिनट फ्रैंकलिन कहाँ गया तो? अरे फ्रैंकलिन कहाँ गया? अरे वो रहा गाइस हवा में। ऑल राइट गाइस, देखिए मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया। यहाँ से तो मुझे इस बोर्ड के अंदर कोई दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा हो तो कमेंट में यस नो लिखिए। बाकी मैं अरे कोई है? अरे है इसके अंदर जायंट तो कोई है, लेकिन वो टोनी स्टार्क बिल्कुल भी नहीं है, कोई और जायंट है, मुझे देखना पड़ेगा। फ्रैंकलिन कोई मिला? भाई मिल गया, जी तो रेड एंड गोल्डन 3 हेडेड रिवेंजर हल्क है। अरे बाप रे, ये कैसे ढूंढ लिया तुमने? मुझे अभी बताता हूँ, ये ले हमने इसको भी ढूंढ लिया। टोनी हम जीत गए। अरे नहीं फ्रैंकलिन, हम अभी जीते नहीं है, तू भूल गया, अभी वो जायंट वाला टोनी स्टार्क में मिला नहीं है। एक मिनट, कहीं यार इस आइस एंड लावा गॉड ने उसको तो नहीं छुपा रखा है? फ्रैंकलिन हालांकि माना तेरे घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यार ये लोग चीटिंग भी कर लेते हैं, तुझे पता तो है। अरे हाँ, अगर हम हार गए ना तो ये लोग लिटरली में गाइस हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें इन्हें पकड़ना होगा, हमें लकी बॉक्स भी तो चाहिए। ओए आइस एंड लावा गॉड, इधर कोई छुपा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, चला जाओ यहाँ से। अरे गाइस यहाँ पर तो बस ठंडी ठंडी बर्फ है और यहाँ से नज़ारे देखने मिल रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुझे जायंट टोनी स्टार्क नहीं मिल रहा। भाई टोनी स्टार्क यार, तेरी शक्ल का ये वो उसको पहचान नहीं रहा है तो अरे मैं क्या करूँ फ्रैंकलिन, वो इतना बड़ा दिख ही नहीं रहा है। लगता है गाइस आइस एंड लावा गॉड सच बोल रहा है, इसने किसी को छुपा नहीं रखा है। गाइस अगर आपको कोई दिखाओ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। एक मिनट फ्रैंकलिन, सामने तो नहीं है वो? अरे बाप रे गाइस, एक मिनट, बच्चे लिख रहे हैं टोनी स्टार्क जायंट वाला आइस गॉड के हेड में। ओ भाई साहब का, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, ये बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी शक्ल है, देख। और ये तो मैं ही हूँ बहू। अबे फ्रैंकलिन हमें जल्दी करना पड़ेगा, 10 सेकंड रह गए हैं। अरे तो क्या कर रहा है, जल्दी गोली मार। अबे गन तेरे पास है, सॉरी मारता हूँ। ये मारा। ओ भाई साहब, 0 सेकंड बची थी, ऑलरेडी बच गए यार टोनी स्टार्क आज तो बाल। चलो गाइस अब अपना गिफ्ट लेने चलते हैं। ऑलराइट, कैसा लगा दोस्तों हार कर? अब अच्छा अगली बार तू हारेगा। और बिल्कुल हारेगा फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, बड़ा वाला बॉक्स मैं ले लेता हूँ, पता नहीं इसमें क्या मिलेगा, कहीं बॉम्ब निकल जाए। अरे फ्रैंकलिन चिंता मत कर, कुछ खतरनाक चीज भी निकल सकती है। दोस्तों ऊपर वाले से दुआ करना इसमें कोई अच्छी चीज निकले। अभी मारता हूं, ये मारा है, कुछ भी नहीं निकला, खाली था क्या? फ्रैंकलिन ऊपर देख। ओ भाई साहब, ये तो जायंट सन गॉड का सूट है। गाइस मैं सन गॉड बनने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन तेरी तो किस्मत अच्छी निकल गई यार। चलो गाइस अब इस सूट को पहन लेते हैं। बाकी टोनी तू तो खोल अपना बॉक्स। हाँ मैं भी खोलता हूँ। गाइस मैं गोल्डन अल्ट्रॉन का सूट लूँ या फिर ग्रीन अल्ट्रॉन का सूट लूँ? यार मैं तो बहुत कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग कॉमेंट बताओ। या फिर रेड अल्ट्रॉन का, यार ये वाला मिल जाए ना 3 हेडेड तो मजा आ जाएगा। चलो गोल्डन पे मार के देखते हैं। ओ भाई साहब, ये बहुत सही है गाइस, बहुत ज्यादा महंगा सूट है। और इसका रेड कैप देखिए कितना ऑसम लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों गाइस, बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।